मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किराए का उम्मीदवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किराए का उम्मीदवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंडा फंडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म दी चौटाला शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, बीजेपी पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, किसानों के काफिले में शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब। बीजेपी पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इधर से निकल रहे थे इलाहाबाद में, आज विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उपचुनाव में आज बीजेपी जेजेपी और ये कांडा मिलके नॉमिनेशन करके आए हैं, तो हमारे किसान साथियों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया बिल्कुल शांतमय तरीके से। उसके बाद इसने दफ्तर का उद्घाटन करना था इलाहाबाद में, वो हमने पहले ही जाके किसानों ने घेर लिया, उद्घाटन नहीं करने दिया। तो एक साल के करीब हो गया हम सड़कों पर बैठे हैं। हरियाणा का मुखिया खट्टर भी कहता है भी अपने 700-800 हज़ार गुंडे तैयार करो और किसानों का सिर फोड़ो, लेकिन आज आपने चुका, हमने डंडे भी उतार नहीं लिए, ये खाली काले झंडे हैं। कल को इनका आदमी को डंडे से गाड़ी तोड़ जाएगा तो कहेगा किसानों ने डंडे मारे हैं। अब गुंडागर्दी की सारी हदें सरकार ने पार कर दी है। आज ढोल नगाड़ों से ये नॉमिनेशन भरने गया। एक तरफ हमारे किसानों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है, अभी कल संस्कार किया हमारे किसान साथी का जो सबसे छोटी उम्र का था, तो ये लोग लड्डू बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ों से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो ये किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी जेजेपी जो गोविंद कांडा इलेक्शन लड़ रहा है उसको वोट नहीं देना है, चाहे जिसको मर्जी डालो कोई बात नहीं है। हमारा किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका आह्वान है भी हम कोई भी कैंडिडेट अपना इस इलेक्शन में नहीं उतारेंगे, हमारी प्राथमिकता है आंदोलन को जीतना। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने अपने उम्मीदवार उतारा है, सिर्फ किसान मोर्चा हरियाणा का जिक्र किया जा रहा था, नहीं, सुख किसान मोर्चा हरियाणा का मैं मेंबर हूं, सुख किसान मोर्चा मेन का मैं मेंबर हूं, ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है। जब हमारा आह्वान है भी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई ऐसे बंद कमरे में बैठ के कोई भी कह दे, आप ही कह दो भी मैं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हूं तो आपकी बात थोड़ा मान लेगा कोई, आपको देखेगा तो ही पड़ेगा ना बात। तो इसलिए वो हमारा कोई, मैं तो जानता भी नहीं है कौन है वो कौन ही। आप रोज़ प्रदर्शन करते हैं, हम आप रोज़ मीडिया वाले हमारे भाई आप लोग कवर करते हैं, कभी देखा उसको कभी प्रदर्शन में, कभी विरोध में, कभी देखा आपने? आज फोटोग्रामाइन के बाहर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जो नेता। हाँ, आप हम यहाँ आए थे, निकल रहे थे, हमारे को पता चला गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हमने कहा ये कातिल लोग जो ढोल नगाड़ों से नॉमिनेशन भर के यहाँ जश्न मनाने के लिए रुके थे, तो उनका विरोध करने के लिए बिना डंडे के खाली झंडे लेकर हम शांतमय तरीके से विरोध कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं भी अब इलेक्शन है, अब आप देख लेना भी ये काली बेड़े हैं या किसान हैं, काली बेड़े हैं या आमजन हैं, अब आप देख लेना ये आतंकवादी हैं या किसान हैं, अब आप देख देना ये नक्सलवादी हैं या किसान हैं, अब इनको नानी याद करवा देंगे किसी गांव में घुस के तो दिखाएंगे, कितने के गांव में घुसेंगे, कितनी आर्मी लगा लेंगे, कितनी हमारे जवानों को आगे कर लेंगे।
अच्छे खट्टर वाले गुंडे ले आए वो भी आ जाएं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम शांत रहेंगे, चाहे कुछ मर्जी करें हम शांत रहेंगे, शांत रह के इनका विरोध करेंगे और किसी भी गांव में इसको घुसेंगे।